हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। दोस्तों, आज मैं यहां पर किशोरपुरा रोड के ऊपर हूं और किशोरपुरा रोड से अगर डिस्टेंस वाइज बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 900 मीटर अंदर हूं। एक कॉलोनी है जिसके अंदर देख सकते हैं, अभी मैं हूं यहां किशोरपुरा रोड से अप्रोक्सीमेटली 900 मीटर अंदर और यहां पर लो बजट का एक शानदार मकान दिखाने के लिए आया हूं, जो कि हमारे काफ़ी व्यूवर्स हैं जिनकी ये डिमांड रहती है कि कोई लो बजट का मकान दिखाया जाए। तो आज मैं आपको दिखाने के लिए आया हूं। आप सामने की तरफ देख सकते हो, ये सामने देख सकते हैं आप, 30 फीट रोड है और इसी के सामने आप देख सकते हैं ये आसपास के मकान हैं और इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये जो ईस्ट फेसिंग मकान है, सिंप्लेक्स हाउस है इसका एलिवेशन। और अगर फेसिंग की हम बात करें तो ईस्ट फेसिंग मकान है और अगर मेजरमेंट की बात करें तो 16x40x71 वर्ग गज के अंदर शानदार सिंप्लेक्स हाउस है, जो कि लो बजट बहुत ही कम कीमत का है। आगे कीमत बताऊंगा वीडियो के बीच में और पूरी डिटेल मिलेगी, बने रहें वीडियो के अंत तक। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस के आपको नए नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब भी कर दिया है और बेल आइकन भी दबा दिया है तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं ऐसे और भी कई आपके बजट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज आपके लिए लेकर आता हूं, जो कि आपको बेस्ट डील कराने में मदद देती है। तो चलते हैं अभी हमारे इस मकान की तरफ। आप देख सकते हैं ये है रैंप और इसी रैंप से अगर हम ऊपर आते हैं तो आपको एक शानदार ये हैवी लुक के अंदर आपको मिलता है ये गेट, जो कि आयरन गेट है और मूविंग में बहुत ही ईजी है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहां पर, इसी के हम बात करें सामने तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये आपको मिलेगी पार्किंग मिलती है, जो कि एक टू व्हीलर्स के लिए काफी है। वहीं फोर व्हीलर के लिए थोड़ा दिक्कत है, यहाँ फोर व्हीलर नहीं आ सकती है बट टू व्हीलर्स इजी वे में पार्क हो सकते हैं। ये है मीटर बॉक्स, जो कि मीटर इलेक्ट्रिक मीटर लगेगा। वहीं हम बात करें तो यहाँ 5000 लीटर कैपेसिटी का पानी का टैंक है और यहाँ मोटर का प्रोविजन दिया गया है। सामने की तरफ बात करें तो यहाँ पर फ्रंट जो बेडरूम है उसके लिए ये बालकनी है और आप देख सकते हैं, अभी मैं लेकर चलता हूँ, यहाँ जो 16x40 की फ्रंट के अंदर आपको जो ये मकान बना के दिया जा रहा है वो बाहर से जीना है, सिंप्लेक्स हाउस है, बाहर से आप जीना देख सकते हो। और फ्यूचर में अगर आप 2BHK मकान है ये और अगर आप फ्यूचर में बनाना चाहोगे तो ऊपर भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, अभी फिलहाल ये सिर्फ सिंप्लेक्स हाउस है। तो अभी चले आइए, चलते हैं हम। आप देख सकते हैं ये डबल पल्ले का गेट है और इसको जैसे ही हमने खोला और एंटर किया तो आप देख सकते हैं एक बिग स्पेसियस आपको मिलता है यहां पर हॉल, ये हॉल है। और इसी हॉल के अंदर बात करें यहाँ तो आप देख सकते हैं वॉश बेसिन आपको ऑलरेडी लगा करके दिया जा रहा है और इधर की हम बात करें तो एक वॉल जो कि रॉयल प्ले में डिजाइन आपको मिलती है। नीचे की अगर हम बात करें तो 2x2 साइज की विट्रीफाइड टाइल्स एक बेहतरीन शानदार लुक में ग्लो के अंदर है। इसी के साथ में ओपन किचन आप देख सकते हैं, ये ओपन किचन और पूरा प्लेटफॉर्म मॉड्यूलर किचन है, जो कि फर्नीचर वगैरह सारा लगा करके आपको दिया जा रहा है। और इसी के साथ में सैनिटरी फिटेड है और ये दो बॉक्सेज बना करके दिए गए हैं और यहाँ पर चिमनी का प्रोविजन दिया गया है, एग्जॉस्ट का प्रोविजन ऑलरेडी दिया गया है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं 16x40 के अंदर एक बेहतरीन शानदार यह है मास्टर बेडरूम और अगर इसके मेजरमेंट की बात करें तो 10x12 साइज का अटैच्ड बाथरूम का है, जिसमें अभी सामान रखा हुआ है जिसकी वजह से लॉक्ड है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक मास्टर बेडरूम हो गया, किचन हो गया, ये हॉल हो गया और अभी आप देख सकते हैं ये है हॉल के अंदर कॉमन टॉयलेट, जो कि आप देख सकते हैं इंडियन टॉयलेट है। और वहीं पे अगर हम बात करें इस रूम की तो फ्रंट साइड के अंदर एक रूम है ईस्ट फेसिंग के अंदर, जो कि ड्राइंग रूम का काम करेगा। 8x10 का एक रूम है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक शोकेस है, ऊपर की तरफ देखें POP में डिजाइन है और इधर की बात करें तो रॉयल प्ले में डिजाइन है, मॉड्यूलर स्विचेज है, नीचे टाइल्स है और यहाँ एक विंडो दिया हुआ है जो कि कूलर पॉइंट के लिए है। इसी के साथ में एंट्री यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये एंट्री है और इस तरह से ये सिंप्लेक्स हाउस है। तो दोस्तों, ये था मकान जो कि लो बजट का बेहतरीन शानदार एक लो बजट का मकान है, जो कि
मेजरमेंट की अगर बात करें तो 16x40 वर्ग गज का मकान है, सोसाइटी पट्टे में है, लोनेबल 80% लोनेबल है। और अगर इसकी बात करें तो किशोरपुरा रोड से मात्र 900 मीटर अंदर है। और अगर कीमत की बात करें तो मात्र 18 लाख रुपए में, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 18 लाख रुपए में फ्लैट से भी कम कीमत के अंदर आपका खुद का मकान होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल करें। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बजट के अकॉर्डिंग में लेकर के आता हूँ यहाँ पर प्रॉपर्टीज। और साथ ही अगर आपकी कोई और खास रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी जरूरत के हिसाब से ही यहाँ पर प्रॉपर्टी के वीडियोज बनाए जाते हैं। और हमारा जो एम है कि आप सबके लिए हम घर प्रोवाइड कराएं, तो उसी के कदम पे आगे हम बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके सपनों का घर आपका हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैं लेकर चलता हूं आपको छत पर और वहां से आपको ओवरव्यू कराता हूं। इससे पहले आप देख सकते हैं ये ग्रेनाइट का जीना है, स्टील की रेलिंग है और वेंटिलेशन के लिए भी डी फ्रेम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं छत पर, और छत के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो ये दो, एक आप यहाँ देख सकते हैं बाथरूम की टंकी है और ये है किचन की रूफ देख सकते हैं। साथ ही आसपास का कंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं कि कितने मकान यहाँ पर बन रहे हैं, काफी कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, नई कॉलोनी है, नए मकान हैं और नए लोग हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो मात्र, और ये आप देख सकते हैं ये है फ्रंट साइड के अंदर, सामने की तरफ भी आप मकान देख सकते हैं, सारे यहां पर काफी हद तक मकान बने हुए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही ऐसी और भी प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और अगर बेल आइकन भी प्रेस कर दिया है तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।